हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। 17 अगस्त है, आप रेडी हैं अपने करंट अफेयर सेशन के नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सेशन। सब तो पहले सेशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिते भी शेयर कर सकते हो, जिते भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सेशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सेशन, सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे, जिन्होंने कल दे सेशन दे विच डिस्कस किया सी, उन्हां दी रिवीजन करांगे। उस तो बाद डिस्कस करांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़। सब तो पहले 15 अगस्त नू नैशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व किया गया बांग्लादेश का, टू कमेमोरेट द मदर ऑफ बंगाबंधु शेख मजीबुर रहमान। इंडिया ने सेलिब्रेट किया 75th इंडिपेंडेंस डे, कल बाय मिस्टेक 74th कहता सी, 75th इंडिपेंडेंस डे है। 15 अगस्त नू ऑब्जर्व किया गया, इंडिया ने 74 साल पूरे किए ने इंडिपेंडेंस नू, 74 साल पूरे किए ने, लेकिन डे अपना फर्स्ट नू भी गिनांगे, इस करके 15 अगस्त 1947 पहला दिन हो गया, 48 नू सैकेंड, तो उस हिसाब के नाल 75th डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2022 दे विच 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त नू पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे अनाउंस किया गया। 14 अगस्त नू यौम ए आज़ादी इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड लिजर्ड डे 14 अगस्त नू ऑब्जर्व किया गया। मणिपुर ने पैट्रियट डे ऑब्जर्व किया 13 अगस्त नू। 35th एडिशन ऑफ हैदराबाद सेलिंग वीक ऑब्जर्व किया गया 13 अगस्त तो 19 अगस्त, कितने? हुसैन सागर लेक कितने लोकेटेड है? हैदराबाद दे विच। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त नू ऑब्जर्व किया गया। रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा बुक लिखी गई है अ बेगम एंड अ रानी। रमेश नारायण द्वारा बुक लिखी गई है अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस। इस बुक के राइटर कौन ने? रमेश नारायण। प्रशांत देसाई द्वारा बुक लिखी गई है द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर। नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार द्वारा जॉइंटली बुक लिखी गई है लेसर लाइव्स स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन इंडिया। आईआईटी दिल्ली ने एम्स दिल्ली के नाल मिलके टैली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम लॉन्च किए। ठीक है जी, याद रखेंगे। आईआईटी बॉम्बे द्वारा नॉवल मेथड डेवलप किया गया इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की हेल्प के नाल, ताकि पेशेंट्स दे विच डिटेक्ट किया जा सके कि जिन्हों कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है जी, हर्षित राजा ऑफ पुणे महाराष्ट्र दे हर्षित राजा ने इंडिया दे 69th चेस ग्रैंड मास्टर बने ने। भारत बायोटेक द्वारा फर्स्ट नेजल कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है, जिसनू अप्रूवल मिली है सेकेंड और थर्ड फेज दे ले। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय कुमार भल्ला नू 1 साल की एक्सटेंशन मिली है इन्हां दी टर्म दे विच। इंडियन क्रिकेटर अनमुक्त चंद इन्हां ने रिटायरमेंट ली है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। साउथ इंडियन बैंक नामित किया गया आरबीआई द्वारा। रिसेंटली आरबीएल बैंक, इंदुसिंध बैंक और कर्नाटका बैंक नू भी एजेंसी बैंक नामित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करनाला नगारी सहकारी बैंक पनवल महाराष्ट्र के विच इस नू एडिकुएट कैपिटल ना होने करके इसका लाइसेंस कैंसल कर देता है।
कैबिनेट द्वारा टारगेटेड लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन नू 3 महीनों के लिए इंक्रीज कर दिता गया एक्सटेंड कर दिता गया। आयशा मलिक फर्स्ट वूमेन जस्टिस बनाए गए ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। फर्स्ट वूमेन जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कौन बनाए गए ने? आयशा मलिक। नादीर गोदरेज चेयरमैन एंड एमडी बनाए गए ने गोदरेज इंडस्ट्रीज दे। अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने, ठीक है जी, 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ने, रेलवे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्हों ने थ्रोबैक पिक्चर लॉन्च की है स्टैंप की, 1947 की जो स्टैंप है उसकी पिक्चर किन्होंने लॉन्च की है? अश्वनी वैष्णव। जोया अग्रवाल इंडियन पायलट ने एयर इंडिया दे इन्हों यूनाइटेड नेशनस वूमेन जनरल इक्वालिटी स्पोक्समैन बनाया गया। यूनाइटेड नेशनस वूमेन जनरल इक्वालिटी स्पोक्समैन। यूनाइटेड नेशनस के बारे आप कई बार डिस्कस करें, 24 अक्टूबर 1945 वॉशिंगटन डीसी के हैडक्वाटर है और यूनाइटेड नेशनस के जो हैड ने, यूनाइटेड नेशनस के हैड का नाम एंटोनियो गुटर्स। रिसेंटली इन्हों की सैकेंड टर्म के लिए इन्हों नामित किया गया। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इन्हों ने सीरीज ऑफ ईवेंट्स लॉन्च किया 75th एनिवर्सरी के लिए इंडिया की इंडिपेंडेंस की, ठीक है जी, अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसी के एक डीड्स ऑफ गैलेंट्री बुक भी लॉन्च की गई, किस दे उत्ते है? 1971 वॉर के उत्ते। एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ने इन्होंने बुक रिलीज़ की है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मनसुख लाल मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर ने इन्होंने इंस्टॉलमेंट जारी की है 14,744.99 करोड़ की अंडर COVID-19 एमरजेंसी रिस्पोंस एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपरनेस पैकेज। 1 जुलाई तो लेके मार्च 31, 2022 तक इसको लॉन्च किया गया। एग्जिम बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है मॉरिशियस के नाल फॉर 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली लॉन्च की है सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी, जिसकी स्ट्राइक रेंज 290 किलोमीटर है। इसनों टेस्ट फायर किया। आर के सिंह पावर मिनिस्टर द्वारा इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है जी 100 गीगावाट तो क्रॉस हो चुकी है, इसकी अनाउंसमेंट की गई, ठीक है जी। इंडिया के कोल कि रीन्यूएबल एनर्जी है पूछा जा सकता है तो 100 गीगावाट है। टारगेट 2450 का जो टारगेट है यह 2030 का। अपैडा की गल करते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसैसड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसैसड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हिमाचल प्रदेश के नाल मिलकर 5 वेराइटीज़ ऑफ एप्पल्स भेजिया ने बहरेन दे ले। केरला पुलिस ने इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर लॉन्च किया त्रिवेंद्रमपुरम के। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज दे विच। साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज दे विच जो कि सिंगापुर दे विच ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसनों हेड कर रहा है यूएस। मणिपुर ने ब्लैक राइस चक हाओ एक्सपोर्ट किया यूरोप दे विच। हिसार एयरपोर्ट राज्य हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट है जो इसका नाम महाराजा अगरसेन के नाम के उत्ते रखा जाएगा। 4 वेटलैंड्स नू रामसर साइट्स के ऐड किया गया, जिड़ी नाम है थोल वेटलैंड, वधवाना वेटलैंड जो कि गुजरात की है, सुल्तानपुर और बिंदीवास जो कि हरियाणा की है, इन्हों रामसर साइट्स इंक्लूड किया गया। इंडिया के टोटल 46 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है जी। अगर पूछा जाए यूनैसको की साइट्स तो 40 यूनैसको की साइट्स और रामसर साइट्स पूछा जाए तो याद रखेंगे 46। टाटा मोटर्स ने गुजरात गवर्नमेंट के नाल एग्रीमेंट साइन किया व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनाने के लिए अहमदाबाद के। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर
एक स्टैचू अनवील किया लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर हेमवती नंदन भगूना का कितने लखनऊ के जम्मू कश्मीर लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पैदल फॉर दल साइकलोथोन ईवेंट की शुरुआत की है दल लेक दे विच। क्वेश्चन पूछा जाएगा दल लेक कितने लोकेटड है तो यह जम्मू कश्मीर दे विच लोकेटड है। मनोज सिन्हा कौन है? लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इन्होंने बुंगूस आवाम मेला भी लॉन्च किया कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट करंट रिलेटेड जो अज की न्यूज़ ने आप डिस्कस करांगे बेसिकली सिंपली वन लाइनर फॉर्म दे विच ही डिस्कस करांगे कुछ फैक्ट्स नाल देखते चलांगे। तनवी मदान द्वारा बुक लिखी गई है फेटफुल ट्रायंगल बुक और उसके राइटर काफ़ी इंपोर्टेंट ने डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस बुक के राइटर कौन ने ठीक है जी या इस राइटर द्वारा रिसेंटली जो बुक लिखी गई थी उसका नाम की है ठीक है। इस तरीके नाल दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिंपली याद रखेंगे तनवी मदान फेटफुल ट्रायंगल। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर ने कितने के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली बनाए गए थे तो तमिलनाडु के इन्हों द्वारा फुलफिलमेंट सेंटर ओपन किया गया इनोग्रेट किया गया एमाजॉन इंडिया का कितने कोयंबतूर तमिलनाडु के कोयंबतूर तमिलनाडु दे विच एक फुलफिलमेंट सेंटर किन्हां ने इनोग्रेट किया MK Stalin ने इनोग्रेट किया है। MK Stalin कितने के चीफ मिनिस्टर ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर नारायण कार्थिकेयन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ने JK टायर और इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली नारायण कार्थिकेयन कौन है? वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा नारायण कार्थिकेयन एक फॉर्मूला वन कार रेसर ने इन्हों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया JK टायर कंपनी का ठीक है जी। अच्छा रिसेंटली सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कि बनाया गया सी आमिर खान नू बनाया गया सी ये याद रखांगे सीएट टायर्स के आमिर खान और JK टायर्स के नारायण कार्थिकेयन ठीक है। इस तो अलावा आमिर खान एक होर चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आज के सैशन के ही इन्हों का नाम डिस्कस करा। इंडियन बैंक ने MOU साइन किया पैरा ओलंपिक कमेटी है जो इंडिया की इस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया इंडियन बैंक ने। बेसिकली इन्हों स्पोंसर किया जाएगा इन्हों डिफरेंट बेनीफिट दिए जाएंगे इन्हों की ट्रेनिंग दे ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स के पार्टीसीपेट कर रहे हैं अगस्त के टोक्यो ओलंपिक्स 23 अगस्त तो आई थिंक शुरुआत हो रही है। प्रेसिडेंट कौन ने पैरा ओलंपिक कमेटी से पूछा जा सकता है दीपा मलिक ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन ने दीपा मलिक। CHSL के डायरैक्टली क्वेश्चन बन के आ रहे हैं ठीक है। PSTCL के एग्जाम के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनी है ये फोर्थ IT फर्म बन चुकी है जिसकी 3 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है 3 trillion की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली चौथी IT फर्म बनी है HCL ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी 3 केड़ियां ने तो याद रखांगे TCS दूसरी इन्फोसिस और तीसरी विप्रो TCS इन्फोसिस और विप्रो ठीक है जी इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा HCL दे जो हेड ने इन्हों का नाम कमेंट बॉक्स के तुसी दस्सो काफ़ी न्यूज़ के रेंदे ने इन रैंकिंग दे विच जो वूमेन होन करके जो HCL दे हेड ने उन्हां दी रैंकिंग दे विच वूमेन मोस्ट वेल्दीएस्ट वूमेन रैंकिंग दे विच काफ़ी टॉप ते रेंदे ने इस करके इन्हों का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच रेंदे। HCL टेक्नोलॉजीज़ दे हेड कौन ने? रेलवे ओवर ब्रिज इन रानीप एरिया ऑफ अहमदाबाद दे विच रानीप एरिया का जो एक रेलवे ब्रिज है इसका नाम आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर रखा गया आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर का नाम इसनू दिता गया। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस एस्टैबलिशमेंट ऑफ अ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इन कर्नाटका। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट कितने बनाई जाएगी? कर्नाटका दे विच बनाई जाएगी ठीक है। अब कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी सी जो नेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिट सी जो उसके हेड बनाए गए सी उन्हां द्वारा ही उन्हां दे अंडर ही इसकी अनाउंसमेंट की गई है कर्नाटका दे विच इन्हां नू की बनाई जाएगी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट।
टू न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोरस। डायनासोरस की दो नवी स्पीसीज देखिया गई ने, ब्लू वेल दे साइज दियाँ चाइना दे विच। ठीक है, फोसिल्स मिले ने, फोसिल्स कितने लब्बे ने, चाइना दे विच लब्बे ने। चाइना दे विच भी कितने लब्बे ने, तो हामी बेसिन दे विच, हामी बेसिन जिन्हां नू नाम दिता गया स्लबटन और हैमीटेटन। अशरफ घनी, अशरफ घनी प्रेजिडेंट सके अफगानिस्तान के, ये फ्लैड होए ने अफगानिस्तान तो चले गए ने। ठीक है, आप कई बार डिस्कस किया अफगानिस्तान के रिलेटेड कि अफगानिस्तान के तालिबान का कब्जा होंदा गया। ठीक है, अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों के उत्ते हौली हौली कब्जा होया और फाइनली अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के उत्ते भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जिस करके इतने के प्रेजिडेंट कजाकिस्तान चले गए ने। हालांकि अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट कौन सी। ठीक है, नाम याद रखेंगे अशरफ घनी। इसरो दे चीफ के सिवान, के सिवान इसरो दे चीफ ने इन्हां द्वारा हेल्थ क्वेस्ट स्टडी, हेल्थ क्वेस्ट स्टडी इनोग्रेट किया गया। ठीक है जी, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। हेल्थ क्वेस्ट स्टडी का मतलब है कि जो हेल्थ क्वालिटी अपग्रेड की गई है स्पेस टेक इसरो दी स्पेस टेक्नोलॉजी दी हेल्प दे नाल, कित्थे 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे विच। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसनों आप एग्जिम बैंक तो जानते हैं। ठीक है, एग्जिम बैंक जिसके बारे आप डिस्कस किया, इसने मोजाम्बिक नू लोन प्रोवाइड किया, हुण सियारा लियोन नू, सियारा लियोन नू भी लोन प्रोवाइड किया गया। सियारा लियोन जो कंट्री है इसनों लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 30 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया। AU Small Finance Bank, AU Small Finance Bank is the headquarter, कमेंट बॉक्स के तुसी दसने, कई बार आपां डिस्कस किया हुआ है। इसने एक मैगा ब्रांड कैंपेन बदलाव हमसे है, बदलाव हमसे है लॉन्च किया। बदलाव हमसे है कैंपेन दे ब्रांड एम्बेसडर कौन ने, AU Small Finance दे। ठीक है जी, इसी दे नाल याद रखांगे इसी दे ब्रांड एम्बेसडर दे तौर पर आमिर खान और किरयारा अडवाणी नू साइनअप किया गया। बदलाव हमसे है कैंपेन दे लई किन्हां नू साइनअप किया है, आमिर खान और कियारा अडवाणी। रोचोना मजूमदार द्वारा बुक लिखी गई आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी। आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स नाम की बुक नू किन्हां द्वारा लिखा गया, राइटर कौन ने, रोचोना मजूमदार। गवर्नमेंट द्वारा 25% स्टेक बेचण की गल की गई है नैशनल सीड्स कॉपोरेशन दे विच, नैशनल सीड्स कॉपोरेशन दे विच कितना परसेंट स्टेक डिस इन्वेस्टमेंट के तौर पर बेचा जाएगा, 25% बेचा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री कितना लवे है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री वीरेंद्र कुमार लवे है। ठीक है, टीकमगढ़ एमपी तो लोकसभा एमपी ने इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल तपस नाम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज टू ऑफर मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री किन्ना लवे है हरदीप सिंह पुरी लवे है इन्हों द्वारा सोन चिड़िया नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया टू प्रमोट प्रोडक्ट्स मेड बाय अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अर्बन SHG। थॉमस डैनरबी स्वीडन तो बिलोंग करते हैं, इंडियाज वूमेन नेशनल टीम कोच किस दे, फुटबॉल दे, किड़ी टीम दे, फुटबॉल दे, ऑफ 2022 AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है जो इसका वूमेन्स एशिया कप किसने होस्ट करना है, इंडिया ने होस्ट करना है। आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पुणे मुंबई और नवी मुंबई दे विच लॉन्च किया जाएगा, उसी दे लई जो वूमेन टीम है उसके कोच बनाए गए ने थॉमस डैनरबी कितों बिलोंग करते हैं, स्वीडन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कितने है, कौलालामपुर मलेशिया दे विच है। ठीक है जी, इस तो अलावा ये वूमेन्स कप है, वूमेन्स कप 2022 दे विच होना है, 2023 दे विच होएगा मेन्स वाला कप होस्ट करेगा चाइना, ये याद रखांगे इंपोर्टेंट बनेगा।
ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने साइन किया है 112 मिलियन डॉलर का लोन इंडिया नू प्रोवाइड करेगा, झारखंड नू प्रोवाइड करेगा वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर दे ली, टू फाइनेंस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। झारखंड दे विच वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर नू फाइनेंस करन दे लई 112 मिलियन डॉलर किसने प्रोवाइड किए ने, ADB ने प्रोवाइड किए ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस दे विच है। 1968 दे विच आई थिंक इसनों बनाया गया सी, चलो इसनों अजे कैंसल कर लियो, वैसे मैं श्योर नहीं हाँ। ADB की गल करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 मैंबर कंट्रीज़ ने, ए याद रखांगे, और इस दे जो हैड ने, हैड का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, मसद सुगू आसाकावा। इस बार इसनों कैंसल कर लियो, मैं 68 मैंबर कंट्रीज़ ने ए याद रखांगे। पलघड़ रेलवे स्टेशन है जो महाराष्ट्र दे विच है। पलघड़ रेलवे स्टेशन कित्थे दा है, महाराष्ट्र दा है। इसनों ISO सर्टिफिकेशन मिली है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दे ली। ISO सर्टिफिकेट किसने, केड़े रेलवे स्टेशन नू मिले, पलघड़ रेलवे स्टेशन कित्थे दा रेलवे स्टेशन है, महाराष्ट्र दा रेलवे स्टेशन है। गीता समोता जो कि मुंबई तो बिलोंग करते हैं, CAPF दे पहले ऑफिसर बने ने, जिन्होंने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई की है, जो कि हाईएस्ट पीक है रशिया दी हाईएस्ट पीक केड़ी है, माउंट एल्ब्रस है। पहले तो स्टैटिक दे विच पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। CAPF ऑफिसर पहले कौन बने ने, गीता समोता बने ने, कितों बिलोंग करते हैं, मुंबई तो बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। इस तो इलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं, रिसेंटली इंपोर्टेंट बनेगा, सब तो ज़्यादा उम्र दे वूमेन बने सी जो कि तकरीबन 45 साल की उम्र सी, जिन्हें माउंट एल्ब्रस की ही चढ़ाई की सी, ठीक है। उन्हों का नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना है। इंडियन नेवी ने MOU साइन किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया सी। इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन किया ऑनर फर्स्ट इनिशिएटिव दे ली इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन किया है IDFC फर्स्ट बैंक के नाल। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, UAE एक ऐसी कंट्री है जिसके लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडियन स्टूडेंट्स की, ठीक है जी। आप गल करते हैं पंजाब की, पंजाब के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने स्टडी करन जाते हैं, सब तो ज़्यादा कितने जाते हैं, कैनेडा जाते हैं, ठीक है, हर एक नूं पता होएगा इस दे बारे। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की गल करते हैं, तो ओवरऑल इंडिया दे विच जो सब तो ज़्यादा पापूलेशन इंडियन स्टूडेंट्स की किहड़े देश जाती है, तो UAE दे विच जाती है, ठीक है। कैनेडा इस दे विच सेकंड नंबर पर इस लिस्ट दे विच, और थर्ड नंबर पर USA। सेंटर हैज़ नोटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, सेंटर ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स अनाउंस किए ने, जिस दे विच अनाउंस किया गया है कि जो प्लास्टिक आइटम्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे ने जो कि सिंगल यूज होंगे ने, फॉर एग्जाम्पल अपने डिस्पोजल कप्स हो जाते हैं प्लास्टिक दे, ठीक है, जिन्हों के नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की जो वन टाइम या कह सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ने, उन्होंने इंपोर्ट, स्टॉक, मैनुफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के उत्ते बैन किया गया 1 जुलाई 2022 तो। INS तबार इंडिया की नेवल शिप है, काफ़ी इंपोर्टेंट है, कई बार आप डिस्कस की है कि उस टाइम भी आप डिस्कस किया कि कड़ी एक्सरसाइज यह पार्टीसीपेट करेगी, हूँ एक करके एक्सरसाइज पार्टीसीपेट कर रही है, जिस तो एक्सरसाइज इंपोर्टेंट बनी है कोंकान। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कोंकान एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के नाल परफॉर्म करती है, तो ब्रिटेन के नाल, इंडियन नेवी और इंडियन ब्रिटिश नेवी के नाल एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है कोंकान, कितने, पोर्ट्समाउथ। इस तो इलावा ब्रिटिश के नाल या ब्रिटेन के नाल इंडिया की एक्सरसाइज ने जो केड़िया ने, अजय वॉरियर एक्सरसाइज काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस तो इलावा कोंकान होगी, और इस तो इलावा एक होर एक्सरसाइज है, मेरे माइंड स्किप कर रही है, अजय वॉरियर
कंकान इंद्रधनुष एक्सरसाइज भी इंडिया ब्रिटेन दे नाल कंडक्ट करते हैं, ये कह सकते हैं यूके दे नाल कंडक्ट करते। नेक्स्ट है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रकाश, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद द्वारा एक बुक लिखी गई है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने, इस बुक के राइटर ने बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। छत्तीसगढ़ की गल करते हैं, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 4 नवे डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए ने, छत्तीसगढ़ के 4 नवे डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए ने, मोहल्ला मनपुर, सक्ती सारनगढ़ बलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़। 4 इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्स नाम कदे भी अपने तो नहीं पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट बनेंगे, अपने लिए पूछे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ के टोटल डिस्ट्रिक्ट किन्ने हो गए ने, तो 32 डिस्ट्रिक्ट हो गए ने, याद रखा। इस तो अलावा वूमेंस के लिए एक पार्क डेवलप किया गया, मिनी माता उद्यान अ पार्क विल बी डेवलप्ड फॉर वूमेन नोन एज मिनी माता उद्यान। इस तो अलावा श्री धनवंतरी योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंडर मेडिसिन कंसेशनल रेट के उत्ते प्रोवाइड कितिया जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस 100 लाख करोड़ फॉर प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। बेसिकली जो इंडिपेंडेंस डे के उत्ते स्पीच लॉन्च की गई, इस स्पीच दे विच कुछ पॉइंट्स सिगे जो अपने लिए इंपोर्टेंट बने। ठीक है, इन पॉइंट्स दे विचों जो सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट सी प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया, जिसके अंडर 100 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट भी की गई है, किसके लिए, जॉब्स नू क्रिएट करने के लिए, टू ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। ठीक है जी, इस तो अलावा 75 वंदे भारत ट्रेन अनाउंस कितिया ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के, 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, 75 ईयर्स सैलीब्रेशन हो रही ने, इस करके 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कितिया जाएंगे। सैकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इन्होंने अनाउंस किए सबका प्रयास, जिस दे विच तुसी ये चीज़ सुनी होएगी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस दे विच सबका प्रयास इनिशिएटिव विच जोड़े है ताकि न्यू इंडिया नू डेवलप किया जा सके। तीसरा पॉइंट, इस तो अलावा चौथा पॉइंट है सैनिक स्कूल्स ने, जो कि हजे तक सिर्फ बॉयज़ दे लई या मेल दे लई अलॉट सिगे, इन्हां नू गर्ल्स दे लई भी ओपन किया जाएगा। ठीक है जी, पंजवा पॉइंट, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि कार्बन एमिशन नू जीरो करन दे लई, जीरो कार्बन एमिशन दे टारगेट नू जल्दी अचीव करन दे लई, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है जी, आज दे लई बस इन्ना ही, आई होप सानू सेशन पसंद आया होगा, सेशन नू लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो, सेशन दे विच थोड़ी कमी आ रही ने, कुछ पॉइंट्स ने जो आप नहीं डिस्कस कर पा रहे, आप पुरानी न्यूज़ नू अच्छे तरीके नाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और जो अपनी नवी न्यूज़ ने उन्हां दे विच भी ओल्ड न्यूज़ नू इंटरलिंक नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम करके मैं बिजी हाँ, एक वीक का टाइम शायद मैं होर लग जाएगा, उस तो बाद आप अपना सेशन पूरे तरीके नाल और पूरे जोश दे नाल डिस्कस करा करांगे। काइंडली सेशन नू लाइक एंड शेयर कर दे रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड बाय।